सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से 2D में। आज हम डिस्कस करने वाले कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 8 रुपए 80 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3.5% के करीबन की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करेंट लेवल पर 253 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में ऊपर एक रुकावट रेंज थी 269 रुपीस पर। 269 रुपीस पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज थी। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जहां पर स्टॉक ने 238 रुपीस के प्राइस को रिटेस्ट किया और यहीं पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक अपसाइड ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में ऊपर एक रुकावट रेंज बन चुका है 268 रुपीस जो कि स्टॉक का पिछला भी सपोर्ट लेवल था। स्टॉक ने उस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। स्टॉक ने ब्रेकआउट तो दिया था जहां पर स्टॉक ने 275 रुपीस का हाई बनाया पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक को सपोर्ट लेवल ले नहीं पाया और वहीं पर स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन बनती हुई नजर आई। अब स्टॉक में 243 रुपीस पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाकर एक रिवर्सल ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 243 रुपीस जो कि यहाँ से अराउंड 10 रुपए का नीचे के एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीस के लिए आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक में बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 275 रुपीस के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक सपोर्ट लेवल बनाता है यानी 275 रुपीस के ऊपर क्लोजिंग लेता है, वहां से स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।